और आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। सोनीपत से बड़ी जानकारी, हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई है। तो सोनीपत से ये बड़ी जानकारी, जहां पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इलाज जारी है। तो अनियंत्रित ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। हरसाना कलां के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है और राम सिंह मार हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के लिए। राम, किस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, एक अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार की भी मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए ये जो है एक अनियंत्रित ट्रक जो है सोनीपत की तरफ से रोहतक जा रहा था और ये हरसाना मोड़ के आसपास गौशाला है और वहां पर ये हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित ट्रक ने जो है 2 बाइक के सवारों को और एक गाड़ी में सवार जो युवक थे, गांव के लोग थे, उनको टक्कर मारी है। जहां मौके पर एक व्यक्ति की, एक युवक की जो है अमित सैया की मौत हो गई है, वहीं एक की हालात जो है वो सीरियस है और वहीं महिला का इलाज सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में चल रहा है। अन्य कई लोग भी घायल इसमें बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो जो ड्राइवर है वो शराब के नशे में बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस बात के लेकर पुष्टि नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने यही कहा कि ड्राइवर जो है काफी स्पीड में अपने ट्रक को लेकर जा रहा था, जिसके कारण ये खतरनाक हादसा और दर्दनाक हादसा हुआ है और सोनीपत के खरखोदा रोड पर हरसाना कला नंदी साला के सामने हुआ है। घायलों में फतेहपुर की बहू रिंकी है, संदीप है और उसकी पत्नी निशा भी घायल है और वही निलोठी के मनोज भी घायल अवस्था में है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर ली जाएगी। हालांकि मौके पर जानकारी भी पुलिस को हाथ लग गई है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी राम, किस वक्त ये हादसा हुआ और बात अगर ट्रक चालक की करें तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि वो शराब के नशे में बताया जा रहा है जैसा लोग कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये सोनीपत से ट्रक चालक जो काफी स्पीड में जा रहा था और जिस जगह ये हादसा हुआ है वहां पर एकदम मोड़ है, खड़ा मोड़ है, जिसके कारण जहां पर जो वाहन है आगे चल रहे थे, सबसे पहले गाड़ी में टक्कर मारी गई है। गाड़ी में 2 लोग सवार थे फतेहपुर गांव के और वहीं दूसरी तरफ से 2 बाइक सवार और आगे चल रहे थे, जिसके कारण जो है एक के बाद एक वाहन में जो है टक्कर मारी गई है। बिल्कुल राम, जिस वजह से हादसा हुआ फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और शुक्रिया राम इस तमाम जानकारी के लिए।